नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लगातार डॉटन से आप सभी का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के तमाम उन स्कूलों में जिनकी कक्षाएं 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज यानी कि 5 तारीख से खुल चुकी है। राज्य सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल्स खोल दिए जाने थे। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट से कि कोविड काल के बाद, इतने लंबे इंतज़ार के बाद उनके लिए स्कूल खुलना क्या कुछ नया अनुभव भरा रहा। पर कैसा लगा, कितने दिनों बाद स्कूल आए हैं आप? ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं पाते थे घर में अच्छे से, मतलब प्रॉब्लम था। ऑफलाइन इज वेल नाउ। आर यू फीलिंग गुड नाउ? ओके। और कोविड को लेकर क्या कुछ डर भी है थोड़ा बहुत मन में? ऐसा कुछ डर तो नहीं है, ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होगा, मास्क पहने। सच बोलो तो रिफ्रेशिंग लग रहा है। कितना टाइम हो गया बैठ बैठ के, मतलब पावर हो चुका हूँ सच बोलो तो। कितना टाइम हो गया, कितने टाइम बाद आप स्कूल आ रहे हैं? करीबन हो गया 3-4 महीना। 3-4 महीना लास्ट टाइम जब खुला था तब आए थे ना, लेकिन अब वापस से एक बार बैक टू स्कूल, बैक टू पवेलियन। नमस्कार, कैसा लग रहा है स्कूल वापस एक बार लौट कर? काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितने टाइम बाद आ रहे हैं? मार्च के बाद उस टाइम कुछ दिन जो क्लासेस हुए थे ना। ओके मैम, आप गार्जियन है, आपको कैसा लग रहा है कि एज अ गार्जियन बच्चे इतने दिनों से घर में थे? अच्छा लग रहा है कि लोग का भी तो बहुत पढ़ाई, ऐसे भी ऑनलाइन पढ़ाई लोग का, तो हम तो बहुत खुश थे ऑनलाइन से भी हम बहुत खुश थे घर में। वो बच्चा समझ ही रहा था, ये नहीं कि नहीं समझ रहा था, बहुत अच्छा समझ रहा था। बट अभी स्कूल खुला था, स्कूल खुल गया तो उसके लिए तो ये अलग बात है, लेकिन पढ़ाई सिक्स टू एट मंथ्स लास्ट जब खुला था तब आए थे। कौन से क्लास में है आप? 10। कैसा लग रहा है वापस एक बार स्कूल आकर? अच्छा लग रहा है। फीलिंग गुड नाउ। घर में कैसा लगता था पढ़ाई करके? ठीक लगता था, लेकिन स्कूल जैसा नहीं लगता था। हाँ, स्कूल में मेनली आपके क्लासमेट्स होते हैं, बैचमेट्स होते हैं, वही 6-7 महीना। 6-7 महीना। ओके, कैसा लग रहा है स्कूल आकर एक बार वापस? अभी थोड़ा अच्छा ठीक ठाक लग रहा है। कोविड को लेकर क्या कुछ डर भी है मन में? नहीं अभी तक तो नहीं। अभी स्कूल वापस एक बार जाएंगे तब पता चलेगा। बहुत टाइम से गए भी नहीं है। अभी इसमें जब 10th के क्लासेस हो रहे तब आए थे, बोर्ड्स के पहले, उसके बाद अब आ रहे हैं। बोर्ड्स के बाद बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं आपके, तो अब नया क्लासरूम, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। वो तो सब कुछ नया है अभी, स्कूल से कॉलेज में या देखते हैं क्या होता है। आज तो फर्स्ट डे है, ठीक ही लग रहा है तो। कितने दिनों बाद स्कूल आ रहे हैं? हमारा दिल कट गया, अब नहीं पता। हाँ नहीं पता, टाइम भी नहीं अब काउंट किया आपने, पता नहीं लग रहा है कि कितना गया वर्ड, कितना टाइम हो गया, ये भी अब पता नहीं चल रहा है। कितने सारे SOP हम लोग फॉलो कर रहे हैं। गेट का पास से स्टूडेंट आते हैं पहले, वहाँ पर उनको सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा किया जाता है। ईच स्टूडेंट का हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं, सैनिटाइज करते हैं एंड उनको अंदर ला के फिर ग्राउंड में क्लास वाइज खड़ा करते हैं। वहाँ पर चेक करते हैं उनका कंसर्न फॉर्म है कि नहीं, क्योंकि एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो स्टूडेंट का सोशल कंसर्न फॉर्म पेरेंट्स से नहीं आएगा हम लोग उनको अलाउ नहीं करेंगे, तो वो चेक करें। सारे टीचर उसमें इंगेज हैं, उसके बाद क्लास ले जाए। क्लास में भी उनको अरेंजमेंट किया गया 6 फीट डिस्टेंस में, तो एक एक बेंच छोड़ के वो लोग बैठेंगे, ऑलरेडी उसमें स्टिकर लगा दिया गया है। 10-10 मिनट्स का ब्रेक दिया जाएगा जिसमें वो लोग क्लास में बैठ के अपना टिफिन करेंगे, क्योंकि 4 घंटा है। और वॉशरूम जाना है तो एक पास इशू किया गया जिसमें 1 स्टूडेंट एट ए टाइम, वॉशरूम में भी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जाएंगे। क्लासरूम हम लोग कुछ उसमें सैनिटाइज भी करेंगे, टॉयलेट तो सैनिटाइज किया ही जाएगा। एंड मैम, ये स्टूडेंट्स को बुलाने का क्या कुछ ये रूल रहेगा कि कितने स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को? 9, 10, 11, 12 को बुलाया गया, मतलब सीनियर क्लास है। एटलीस्ट एक बार मेरे टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ है, उनका डाउट क्लियर, ठीक है ऑनलाइन क्लास चल ही रहा है, बट अगेन एक डायरेक्ट इंटरेक्शन ये जरूरी है। अगेन 11, 12 को मैक्सिमम जरूरत है प्रैक्टिकल क्लासेस, प्रैक्टिकल ऑनलाइन नहीं हो सकता है, तो ये गवर्नमेंट आना होता है, इसलिए बहुत ही अच्छा है। कितने दिन वीक में कितने उनके क्लासेस होंगे वो तो नहीं जान, जितना दिन गाइडलाइन चलेगा पूरा चलेगा। तो क्लास न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
बने रहे लगातार.in के साथ।